आप कोई भी स्वीट में मावा या फिर कॉन्डेंस मिल्क की बजाय आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो वन वेलकम टू चैनल अगर आप मेरे चैनल पर नए नहीं हो तो वेलकम बैक टू माई चैनल मैं आज आप लोगों के साथ ईरानी चाय की रेसिपी शेयर करूंगी मैं खुद भी पहली बार ट्राई कर रही हूँ मुझे रेसिपी पहले से ही पता था पर मुझे टाइम ही नहीं मिलता था क्योंकि ईरानी चाय बनाने में थोड़े बहुत टाइम लगते हैं थोड़े बहुत नहीं बहुत ही टाइम लगते हैं नॉर्मल चाय से तो ज्यादा बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है इसी वजह से ही मैं कभी भी ईरानी चाय बन पाती नहीं थी पर आज मुझे टाइम मिला है तो मैंने सोचा मैं कुछ पहली बार ट्राई कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दू रेसिपी और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि मुझे कौन सी चाय ज्यादा अच्छी लगी मतलब ईरानी चाय या फिर हम लोगों की नॉर्मल वाली मसालेदार चाय कौन सा ज्यादा टेस्टी है पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से प्लीज़ अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए उसके पास जो घंटी दिख रही है मतलब बेल आइकन उसे भी जोर से दबा दीजिए ताकि मेरी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही जाए और आप उसी बहाने से ही मेरे चैनल पे बार बार लौट आए और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर ऑब्वियसली पानी मैं यहाँ पर तीन कप पानी यूज़ कर रही हूँ आप चाहे तो चार कप भी यूज़ कर सकते हो पाँच कप भी पर आपको क्वांटिटी अच्छे से जान लेनी है कि पानी की कितनी लेनी है और चाय पत्ती की कितनी मैंने तीन कप पानी लिया है इसलिए मुझे तीन टेबल स्पून बड़ा वाला चम्मच से चाय पत्ती लेनी थी पर आप लोग देख ही रहे हो कि मेरे पास छोटा चम्मच था इसलिए मैंने इस चम्मच से नौ बार चाय पत्ती ली है क्योंकि थ्री टी स्पून इज इक्वल टू वन टेबल स्पून आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आप तीन कप पानी लेते हो तो आपको तीन बड़े चम्मच चाय पत्ती लेनी है मतलब जितना कप आप पानी लोगे उतना ही टेबल स्पून आपको चाय पत्ती लेनी है मतलब छ कप अगर पानी लेते हो तो छेबल स्पून चाय पत्ती तो उसके बाद मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ तीन चम्मच चीनी बड़े चम्मच आप देख रहे हो आप अपने स्वाद अनुसार चीनी का क्वांटिटी बढ़ा सकते हो मैं नॉर्मली रख रही हूँ क्योंकि मुझे चाय में ज्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता उसके बाद मैं तीन इलायची यूज कर रही हूँ इलायची का सर्व फोड़ के मैंने यूज किया है आप भी सरफ और देना या फिर ऐसे ही यूज़ कर लेना उसके बाद मैंने टेस्ट के लिए अदरक काट के डाल दिया है मैंने छोटा सा यूज़ किया है आप यूज़ भी कर सकते हो नहीं भी आप अदरक को की भी कर सकते हो उसके बाद मीडियम फ्लेम में पैंतालीस मिनट तक इस चाय को पकाऊंगी पर एक चीज़ मैं ध्यान में ज़रूर रखूंगी कि हवा एकदम बाहर ना आए इसलिए मैं टाइट बोल यूज़ कर रही हूँ जिससे बाहर नहीं आया आपको भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है क्योंकि इसी तरीके से ही दुकान में ईरानी चाय बनते हैं उसके बाद हम लोगों को दूध को गर्म कर लेनी है अलग से सिर्फ दूध को गर्म ही नहीं करनी है उससे मलाई भी निकालनी है तो दूध का क्वांटिटी हम लोगों को रिड्यूस करनी है पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कढ़ाई में मलाई जम ना जाए इसलिए आपको चम्मच से चलाते जाना है चम्मच चलाते जाना है हर वक्त रुकना नहीं है और मलाई को साइड से हटानी है और दूध में मिलानी है तो मलाई को जमने नहीं देनी है वरना टेस्ट एकदम अलग सा आएगा तो जब आप देखोगे कि मिल्क थोड़े बहुत रिड्यूस हो गए हैं तो उसके बाद आपको यूज़ करनी है कॉन्डेंस मिल्क या फिर मावा पर मेरे पास दोनों ही नहीं थे इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी पाउडर मिल्क मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ अगर आपके पास मावा नहीं होता है तो आप बेझिझक पाउडर मिल्क यूज़ कर सकते हो टेस्ट सेम ही आता है सेम ही लगते हैं आप कोई भी स्वीट में मावा की जगह पाउडर मिल्क यूज़ कर सकते हैं गाजर के हलवे में भी मावा की जगह पाउडर मिल्क ही यूज़ करती हूँ उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो मैंने यहाँ पर तीन बड़े चम्मच पाउडर मिल्क यूज़ किया है मैंने पहले से ही डिब्बे में भर के रख दिया था तीन चम्मच इसलिए मैं चम्मच से नहीं निकल रही हूँ पाउडर मिल्क तो उसके बाद पाउडर मिल्क को अच्छे से मिक्स कर लेनी है मिल्क में तो उसके बाद मैं फिर से साइड कॉर्नट्स से आ, मलाई को हटा रही हूँ ताकि जम ना जाए इसी तरह से कर लेनी है मैंने इसको थर्टी फाइव मिनट्स तक बॉईल की है उसके बाद रिड्यूस बहुत अच्छे से हो गया था मिल्क तो मैंने उतार दी और और मुझे मील को रिड्यूस करने में लगे थे थर्टी फाइव मिनट्स और चाय को फोर्टी फाइव मिनट्स तक मैंने बॉईल किया था उसके बाद ब्लैक टी को छान लेनी है पहले उस फिर आपको दूध को अच्छे से धीरे धीरे मिक्स कर देनी है बस रेडी हो गया आपका ईरानी चाय तो सच बताओ तो मुझे उतना खास नहीं लगा इस चाय को पीते वक्त अगर आप भी मेरी तरह रोज़ाना नॉर्मल मसालेदार चाय पीते हो तो मुझे नहीं लगता आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ये वाला चाय पर ठीक है टेस्टी है पर मसालेदार चाय से ज्यादा टेस्टी नहीं तो चलिए वीडियो यही तक ही था तो मैं मिलूंगी अगले वीडियो में पर जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए इट्स अ रिक्वेस्ट तो आप अपने फैमिली के साथ खुश रहे सेफ रहे मजेदार रहे मैं मिलूंगी अगले वीडियो में टाटा